सराउंडिंग्स जो हैं, जो इस वक्त एक एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है, कोई लाइट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, हम तीनों मस्त चले जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, लीजिए मेरे वीडियो का मजा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रोड्स कैसी है। दे आर वेरी नैरो, वाओ। जंगल का एहसास और जंगल में जंगली जानवरों के आसपास होने का जो एहसास होता है ना, वो दिखे भी नहीं, इवन देन एक एक जिंदगी में एक रोमांच सा हो जाता है उनकी वजह से, मजा आता है। ड्राइविंग ऑन अ रोड, यू नो देयर इज नोबडी अराउंड, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, क्या मजा आ रहा है, वाओ। या गुड इवनिंग, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे। ये मेरे पीछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चारों तरफ सन्नाटा है, अंधेरा, जंगल। इस जंगल में लेपर्ड बहुत फेमस है, यहाँ के भालू, मैं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ, हमारे अलावा कोई नहीं है। हवा की आवाज़ एक अजीब सी सेंसेशन क्रिएट कर रही है जिस्म के अंदर, और काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। तो अब चलते हैं और मिलते हैं कल। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गेट पे जाने के बाद अब हम लोग कुछ देर हमने वहाँ पे रुके और जंगल की जो अजीब सा एक एहसास होता है उसको हमने फील किया, और फिर हम यहाँ से चल पड़े वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा है, हमारे अलावा इस वक्त यहाँ पे कोई नहीं है, और इस जंगल में टाइगर नहीं है बट लेपर्ड्स की भरमार है, भालू हैं और तरह के सारे तरह के जानवर हैं। बट इस वक्त क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है तो शायद रोड पे कुछ नहीं दिखेगा, किस्मत अच्छी रही तो शायद कुछ दिख जाए। तो चलिए अब चलते हैं और यहाँ से अब मिलेंगे अपने रिजॉर्ट में, और इस वीडियो को आज के वहीं एंड करेंगे और दोबारा मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस ऑल। तो पहुंचते हुए अपने रिजॉर्ट, इट इज बिनसर इको रिजॉर्ट, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा है और चारों तरफ इसके जंगल हैं।